अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमा खान, इस्तकबाल है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे गाजर की बर्फी। ये हमने गाजर ली है 1 किलो, इसको छील कर साफ कर लिया है। और ये हमने शुगर लिया है 1 कप, 1/2 कप हमने ये मिल्क पाउडर लिया है, ये 2 टेबल स्पून हमने देसी घी लिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर है, और ये हमने पिस्ता और काजू का दरदरा पाउडर बनाया है ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो सबसे पहले हम इन गाजर को ग्राइंड कर लेंगे। गाजर को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये गाजर को हम पकाएंगे जब तक ये गलेगी नहीं। को हम कवर कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। गाजर अब ये गल चुकी है, इसका पानी सुखा लेते हैं। हाई फ्लेम पर इसका पानी सुखाएंगे। अब हम इसमें ये शुगर ऐड कर लेते हैं। ये हम बिल्कुल खुश्क होने तक इसको चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे घी। ये इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे। ये देखिए अब काफ़ी थिक हो गया है, ये अब जमने की स्टेज पर आ चुका है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये अब जमने के लिए रेडी हो चुका है। हमने ये ट्रे को पहले से ग्रीस कर लिया है, इसमें हम इसको सेट करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। थोड़ा ये हम गार्निश करेंगे पिस्ते और काजू के पाउडर के साथ। इसको अब हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। अब ये बर्फी सेट हो चुकी है, अब हम इसको कट करेंगे। ये बर्फी को हमने कट कर लिया है, इसको हम सर्व करेंगे। तो नाज़रीन कैसी लगी आपको ये गाजर की बर्फी की रेसिपी? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इंशाल्लाह मैं जल्दी ही हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ।